पहले बोर्ड परीक्षाएं विवादों से घिरी, अब पेपर मार्किंग विवादों में है। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की आंसर शीट मार्किंग सेंटर से चेक करने के बजाय करीब एक दर्जन के आसपास अध्यापक गैर कानूनी तरीके से आंसर शीट को घर ले जाकर चेक कर रहे थे। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन ने मार्किंग सेंटर में रेड कर आरोपी अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग से सिफारिश की है। अब इसे अध्यापकों की लापरवाही कहें या जानबूझकर की गई गलती, ये तो खैर पकड़े गए अध्यापक ही बता सकते हैं। लेकिन रेड के बाद पकड़े गए अध्यापकों में से किसी ने बीमारी का बहाना बनाया तो कोई आंसू बहाने लगे। सर मैं घर पे कॉपियां ले गई थी क्योंकि हमारी जो आंसर की है वो चौथे दिन हमें मिली है मंडे को, और हमारी कंडीशन है कि एक दिन में 34 कॉपियां पूरी करनी है। तो मैं वैसे भी क्रोनिक डिजीज पेशेंट हूँ, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी है मेरी, तो अपना काम कंप्लीट करने के लिए टाइम पर मैं 10-12 कॉपियां अपने घर लेके गई थी। हाँ जी इलीगल बताया है, इस चीज़ को हम मान रहे हैं सर। लेकिन हमारा जो है वो एक CM का प्रोग्राम भी चल रहा है, स्कूल भी जाना पड़ रहा है, तो इतना बर्डन चल रहा है हमारे ऊपर कि मतलब काम को कंप्लीट कैसे करें सर, ये प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी हो सकती है कार्रवाई, लेकिन काम मैंने ऑनेस्टली किया है, कुछ गलत नहीं किया, हम तो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे हैं, टाइम पर हमारा काम पूरा हो जाए। हाँ जी सर, जो बोर्ड से इंस्ट्रक्शन है कि भाई नहीं ले जानी चाहिए तो नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जो सुविधा के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम कोविड टाइम में हमें घर पे ही कॉपियां दी थी। बता दें कि हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की क्लास की परीक्षाओं के बाद हरियाणा में 10वीं क्लास की परीक्षाओं के लिए 70 और 12वीं क्लास की परीक्षाओं के 70 और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को चेक करने के लिए 39 मार्किंग सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन रोहतक के वैश्य कॉलेज में बनाए गए मार्किंग सेंटर में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने छापेमारी की। जो 30 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक चली, वो समाप्त होने के बाद पूरे हरियाणा भर में 70 10वीं के मार्किंग सेंटर और 39 12वीं के मार्किंग सेंटर बनाए गए हैं, और सभी मार्किंग सेंटर में CCTV कैमरे की निगरानी में ये मार्किंग हो रही है। तो बोर्ड के जब कंट्रोल रूम से हमने अपने मार्किंग सेंटर यहाँ पर वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की देखी, तो उसमें हमें कुछ आभास हुआ कि कुछ अध्यापक उत्तर पुस्तिकाएँ अपने घर ले जा रहे हैं, जबकि ले जाने की अनुमति नहीं है। और आज जब यहाँ पर जांच करते हुए मैंने सुबह 8:45 बजे बोर्ड के कर्मचारियों के स्कूल के मेन गेट पर लगा दिया था कि आप अंदर जो घुस रहे हैं केवल उनकी फ़ोटो ले लें, ताकि ध्यान में आ जाए कि इस चीज़ के हाथ में पॉलीथीन है, और यदि पॉलीथीन है तो इसका मतलब सीधा सिद्ध होता है कि वो उत्तर पुस्तकें अपने घर लेके गए हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल रूम के में भी पॉलीथीन। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने बताया कि उन्हें कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद छापेमारी करने से पहले करीब 2 घंटे तक मार्किंग सेंटर की रेकी की गई और पाया कि काफी ऐसे अध्यापक हैं जो अपने साथ घर पर आंसर शीट लेकर जा रहे थे, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। गौरतलब है कि आज रोहतक में मुख्यमंत्री की प्रगति रैली थी, जिससे पहले ये छापेमारी की गई, और रेड के दौरान जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मामले को लेकर आरोपी अध्यापकों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।